Hey guys, this is Shailendra Vishkarma and you are watching Cyber Exploit YouTube channel. और guys, आज के इस वीडियो में हम लोग next level का CDF और solve करेंगे. मैंने first start किया था आपको basic से एकदम बहुत जो easy level का CDF होता है वो bandit होता है, bandit है. और जिस over the wire पे मैंने आपको बताया था और मैंने 13 level तक solve किया है और नेक्स्ट लेवल अभी हम लोग देखने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं. सो गाइस, वीडियो जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाके देखें. पहले मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि सीडीएफ क्या होता है और वो वाला वीडियो और जो 1 से लेकर 13 लेवल तक मैंने सॉल्व किया है सीडीएफ, वो वीडियो जरूर देखें. क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको पहले का पासवर्ड नहीं, अगर फ्लैग पता नहीं रहेगा तो आप सॉल्व आप इंटर ही नहीं कर पाओगे. तो आपको 0 लेवल से 1 लेवल नेक्स्ट लेवल तक आपको बढ़ना ही पड़ेगा. तो जो लोग 13 लेवल तक सॉल्व कर चुके हैं और उन्होंने अगर फ्लैग को सेव करके रखा है देन सही है, और जो लोग नहीं किए हैं अभी तक सॉल्व, तो गाइस ये बहुत ही इजी लेवल का CDF है, ये हर कोई कर सकता है. बिल्कुल लिनक्स का जो बेसिक्स कमांड्स हैं जो आपको पते होने चाहिए उसी पर CDF डिज़ाइन किया गया है. और मैं अभी 14 से और नेक्स्ट लेवल तक देखूंगा कि वीडियो जितनी देर लंबी ना हो जाए, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं जितना लेवल तक पॉसिबल होगा मैं अभी करके दिखाने वाला हूं आपको. मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता, इसलिए 2-4 लेवल और सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो गाइस वीडियो को सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे. और गाइज, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और कहीं से अगर प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट मेरी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. मैंने नया ही वो अभी टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, उसमें अभी आई थिंक कोई नहीं है. और उस चैनल पे अगर आप आते हैं तो मैं आपको पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करके और मैं आपको हेल्प करूँगा किसी तरह का प्रॉब्लम को. और सो गाइस, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं इसमें बात करने वाला हूँ. और फाइनली मैं मेरा जो आज का वीडियो है वो वीडियो पे चलते हैं. ओके, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा. ओके, और इसको इधर ले आता हूँ. चलो बेटर, तो फर्स्ट ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं. ब्राउज़र ओपन कर लिया मैंने. अब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है, गूगल में ही सर्च करना. तो गूगल के बाद आपको लिखना है यहाँ पर ओवर द वायर. ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ओवर द वायर को फर्स्ट मिल जाएगा. और यहाँ हमने ओवर द वायर का बैंडिट सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, तो हम लोगों ने लेवल थर्टीन तक मैंने सॉल्व कर चुका हूँ. ओके, तो अब बेसिकली हम लोग नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे. और मैंने 13 लेवल का फ्लैग को मैंने बेसिकली सेव करके रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो. और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को बार बार सॉल्व करें ताकि आपको रिपीट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएगी, बैठ जाएगी और आप अच्छे से आप फिर लिनक्स को चाहे जो भी टर्मिनल के बारे में जान पाओगे, कमांड के बारे में. क्योंकि इसमें सारा कुछ आपको बेसिक से एडवांस लेवल का जो भी कमांड्स होते हैं वो आपको यूज करने के लिए इस CDF से आपको सीखने को मिलता है. ओके, तो अभी हम लोग 13 लेवल तक. सो गाइस, 13 लेवल का मैंने पासवर्ड को ऐसा किया है कि सेव करके रखा हूँ, देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे 12 और 15. तो मैं यहाँ पर लेवल 13 का पासवर्ड सेव करके रखा हूँ. ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको. ओके, कॉपी कर लिया एंड देन इसको क्लोज कर लेता हूँ. क्लोज कर दिया और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. टर्मिनल को ओपन कर दिया, इसको अगर अब बड़ा कर लेते हैं, आपको नहीं दिखे तो गाइस मैंने बड़ा कर दिया. अब हम लोग इसको लॉगिन करेंगे. तो लॉगिन करने के लिए आपको पता है हम लोग SSH कमांड का यूज़ करते हैं, SSH bandit. जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो को देखें. उसके बाद हम लोग डालते हैं bandit. तो लेवल 13 पे हमको लॉगिन करना है, तो लेवल 13 और bandit.labs.overthewire
ORG-P फॉर पोर्ट नंबर 220 पे लॉगिन करना है आपको। मैं बता देता हूँ, देख आप यहाँ सुन सकते हैं ये सारा कुछ। यहाँ पे जब लेवल जीरो पे जाएंगे तो ये आपको बताया है कि पोर्ट नंबर पे किस पे लॉगिन करना है। लेवल जीरो के लिए यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है, ये पासवर्ड बता चुका है। बैंडिंग जीरो से आपको लॉगिन करना है। तो अभी हम लोग लेवल 13 तक जा चुके हैं, तो 13 के बाद 14 सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ तो 14, तो लेवल 13 पर फिलहाल लॉगिन कर लेते हैं। तो पासवर्ड मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, सेव रखा था, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इंटर मार दिया। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग लेवल 13 पे इन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे हमको इन पासवर्ड इसका नेक्स्ट फ्लैग हमको ढूंढना है। तो नेक्स्ट फ्लैग के लिए क्या इसके जो भी गाइड दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेवल क्या बोलता है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन /etc/bandit_pass/bandit14। सो बेसिकली ये क्या है, ये पाथ आपको दिया हुआ है और ये जो बैंडिट 14 है ये हमारा फाइल है जिसमें पासवर्ड वो रिटेन है, वो पासवर्ड लिखा हुआ है, जो फ्लैग है वो लिखा हुआ है इसको। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कैन ओनली रीड बाय यूजर बैंडिट 14। सो गाइस आप बैंडिट 14 ये जो बैंडिट 14 जो फाइल है इसको आप जब तक बैंडिट 14 पे लॉगिन नहीं होंगे तब तक आप इस फाइल को रीड नहीं कर सकते। फॉर दिस लेवल यू डोंट गेट द नेक्स्ट लेवल पासवर्ड बट यू गेट अ प्राइवेट SSH की। इस लेवल को आपको इस लेवल में एंट्री करने के लिए आपको ये पासवर्ड फ्लैग्स नहीं दिए जाते हैं, बट एक आपको हेल्प क्या दिया जा रहा है, प्राइवेट SSH की दिया जा रहा है जिसमें दैट कैन बी यूज टू लॉग इन टू नेक्स्ट लेवल। नोट, यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम लोकल होस्ट यूज करना है। गाइज हमने अभी जब लेवल 13 पे यूज किया था तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि हमने क्या यूज किया था, होस्ट नेम जो कि स्टार्टिंग से मैं यूज करते आ रहा हूँ, bandit.labs.overthewire.org। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको लोकल होस्ट यूज करना है एज अ होस्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे SSH की देखते हैं, फाइंड करते हैं कि SSH की हमारा कहाँ पे है, तो LS करते हैं। सो गाइस देखें यहाँ पे होम डायरेक्टरी में आपको SSH की प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो SSH की के थ्रू हमको इस नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद वहाँ से पासवर्ड मिलेगा, फिर SSH कमांड के थ्रू हम लोग लॉगिन करके देखेंगे कि रियली में लॉगिन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपन यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं SSH का। ओके, तो ये दिया हुआ है तो इसको आप रीड भी कर सकते हैं, SSH और इस तरीके से ये हमारा की दिया हुआ है, और इस की का यूज करके आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम लोग कमांड जो लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको हेल्प में दिया हुआ है, आप ये सारे कमांड्स को यूज़ करके आप लॉगिन हो सकते हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ओपन SSL का यूज़ करने वाला हूँ। तो ओपन SSL, ओपन SSL हाइफन आई एंड आई फॉर इंक्लूड, और देन हमारा जो की दिया हुआ है SSL की डॉट प्राइवेट उसको इंक्लूड कर रहे हैं, और लॉगिन कहाँ पे करना है हमको, लोकल होस्ट पे एज ए तो बैंडिट 14 एट द रेट लोकल होस्ट। ओके, सो इनवैलिड ओपन SSL हाइफन इंक्लूड ओपन SSL हाइफन सही है यहाँ पे ओपन SSL सॉरी लोकल होस्ट पे लॉगिन करने के लिए हम लोग टेलनेट कमांड का यूज करते हैं। तो टेलनेट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है, टेलनेट SSH NC NMAP AS क्लाइंट। तो ओपन SSL नहीं यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे टेलनेट, तो मैं यहाँ पे टेलनेट से नहीं ले रहा, तो टेलनेट हाइफन एच नहीं है, इनवैलिड ऑपरेशन बता रहा है। ओके, तो मैं अभी यूज कर लेता हूँ उनको,
सॉरी SSH हाइफन आई SSH प्राइवेट की और देन लोकल होस्ट यूज करना है। सॉरी कोई नहीं होता है, मैं यहाँ पे पहले से प्रैक्टिस करके थोड़ी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये सोल्व किया है, लेकिन मैंने एक बार सोल्व किया है ये सारा चीज़ें, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस आपको यस कर दूंगा। सो गाइस देख सकते हैं मैं लेवल 14 में एंट्री कर चुका हूँ। ओके इस तरीके से देख सकते हैं, अब हमको लेवल 14 में एंट्री मिल चुका है, बट अभी हम लोग को फ्लैग मिला नहीं है। तो फ्लैग क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोल रहा था, द नेक्स्ट लेवल पासवर्ड फॉर लेवल इज स्टोर्ड इन ETC, ये तो ये डायरेक्टिव में जाना है और देन हमको रीड करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, तो CD ETC एंड देन bandit डॉट पास के अंदर एंट्री कर लिया। अब कैट कमांड चला के bandit और 14 में हमारा पासवर्ड स्टोर है, तो 14। सो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल लेवल 14 का पे लॉग इन करने के पासवर्ड सॉरी मिल चुका है। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, कॉपी एंड देन हम यहाँ से एग्जिट होते हैं। एग्जिट हो चुका हूँ मैं, पूरा एग्जिट हो जाता हूँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेवल 14 पे एंट्री करने वाले हैं, तो लेवल 14 डॉट और इस तरीके से, और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड इस तरीके से। अभी हम लोग लेवल 14 में एंट्री कर चुके हैं, अब लेवल नेक्स्ट लेवल हम लोग बढ़ते हैं, तो लेवल 15 पे जाते हैं। और लेवल 15 क्या कहता है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी रिट्रीव बाय सबमिटिंग द पासवर्ड फॉर द करेंट लेवल टू पोर्ट 80 पे। यानी अगर इस लेवल के पासवर्ड को लेवल 14 के पासवर्ड को हम लोग अगर लेवल पोर्ट नंबर 30,000 पे हम लोग सेंड करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड मिलेगा। ओके तो मैं कमांड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हेल्प देख सकते हैं, बहुत सारा चीज दिया हुआ है। तो नॉर्मली यहाँ पे आप यूज लोकल होस्ट पासवर्ड को सेंड करने के लिए यहाँ पे लोकल होस्ट पे है बोल रहा है, तो हम लोग टेलनेट का यूज करने वाले हैं। तो टेलनेट, इससे पहले मैंने यूज़ किया है टेलनेट, क्यों वो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। टेलनेट और लोकल होस्ट सॉरी मेरा सिस्टम यार पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है थोड़ा सा। तो पोर्ट नंबर कितना है 30,000, तो 30,000 कर दिया। तो इस तरीके से देख रहे हैं अभी इंटर करने बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर आप पासवर्ड करंट लेवल का जो पासवर्ड मैंने वो इंटर किया, पेस्ट किया और देन इंटर किया। सो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से, और हमारा ये जो करेक्ट जो पासवर्ड है लेवल नेक्स्ट लेवल एंट्री करने के लिए ये करेक्ट लिख रहा है और पासवर्ड हमारा ये दे रहा है। यहाँ पे एक और भी तरीका है जिसका यूज करके आप इको कमांड का यूज करके भी आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में उसको नहीं बताने वाला। ओके तो अभी लेवल 15 का मिल चुका है, तो यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ और सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा था, हाँ तो अभी लेवल 15 पे एंट्री करना है, तो लेवल 15 का पासवर्ड हमको मिल चुका है और लेवल 15 इस तरीके से पासवर्ड को कॉपी पेस्ट। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग लेवल 15 में एंट्री कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल 16। सो गाइस नेक्स्ट लेवल 16 है, और 16 में क्या बोल रहा है, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी रिट्रीव्ड बाय सबमिटिंग द पासवर्ड ऑफ करेंट लेवल टू पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर कितना बोल रहा है, ओ माय गॉड 30,001। ओके सेम पोर्ट नंबर ऑन लोकल होस्ट यूजिंग SSL, तो यहाँ पे बोल रहा है SSL कमांड का यूज करने, ओपन SSL का, क्योंकि SSL इंक्रिप्शन के थ्रू हमको पासवर्ड को सबमिट करना है, देन हमको पासवर्ड मिलेगा। और नीचे हेल्पफुल नोट्स में क्या क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, गेटिंग हार्ट ब्रेकिंग एंड रीड आर ब्लॉक यूज IGN underscore EOF एंड रीड द कनेक्टेड कमांड सेक्शन इन द मैन पेज टू रीड द R एंड Q एंड द B कमांड ऑल्सो वर्क इन द वर्जन ऑफ नेक्स्ट।
तो ये हेल्पफुल में आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है ये। आप मैन कमांड जो दिया है, आप इसके बारे में मैन कमांड का हेल्प लेके पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ें देती है, क्योंकि देखिए हेल्पफुल मटेरियल के नाम पे यहाँ पर नीचे में भी दिया है। ओपन एस एस एल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्या यूज है, कैसे, किस तरीके से, कौन सा OSI लेयर पे काम करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, इस तरीके से। आप इसके बारे में अधिक डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं पढ़ा हूँ, इसलिए आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़ो। विकिपीडिया का ये लिंक दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, बेटर है, आपको अच्छा जानकारी मिलेगा। देखिए TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के बारे में बताया है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताया गया है, तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा है। ओके, तो फिलहाल हम लोग इसको SSL इंक्रिप्शन के थ्रू हमको नेक्स्ट लेवल सेंड करना है ऑन लोकल होस्ट, देन हमको पासवर्ड मिलेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपना टर्मिनल पे, और यहाँ पे ओपन हम लोग जो कमांड यूज़ करने वाले हैं ओपन SSL के, क्योंकि ओपन SSL का यूज़ करके हम लोग सॉरी ओपन SSL हाइफन एस क्लाइंट, क्योंकि हमको पासवर्ड को क्या करना है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना है, तो एस क्लाइंट हाइफन सी या हाइफन कनेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाइफन कनेक्ट एंड लोकल होस्ट पे ही सेंड करना है, लोकल होस्ट सॉरी लोकल होस्ट, एंड देन पोर्ट नंबर कितना है, 30001, 30001, और क्या ऑप्शन यूज करने बोल रहा है, यूज हाइफन IGN अंडरस्कोर EOF, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, तो हाइफन IGN अंडरस्कोर सॉरी मिस्टेक अंडरस्कोर EOF, इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसको हमको नेक्स्ट ये करंट लेवल का पासवर्ड इसको देना है, तो कंटेंट लेबल का पासवर्ड मैं कॉपी करता हूँ, एडजस्ट इंटर कर देता हूँ ये। सो गाइस देख सकते हैं सेशन क्लोज हो चुका है, और इसका ऐसा सीटीएफ का बनाया हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड हमको मिल चुका है लेवल 16 का, और ये हमारा फ्लैग है। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट होते हैं, या फिर लोकल होस्ट पे ही इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टेलनेट बैंडिट 16 एट द रेट लोकल होस्ट, पे नहीं दिया है। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, और देन SSH कमांड के थ्रू हमको फ्लैग मिल ही चुका है, तो यहीं से मैं लॉगिन होता हूँ। अभी और हमको पासवर्ड देना है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने लेवल 16 का, और मैं फाइनली लेवल 16 में एंट्री कर चुका हूँ। सो गाइस मैं देख लेता हूँ वीडियो कितना लंबा हुआ है। सो गाइस वीडियो 18-19 मिनट हो चुका है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि शॉर्ट वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, और शॉर्ट वीडियोज़ में बेसिकली आपको कितना नॉलेज मिलता है मुझे पता है। शॉर्ट वीडियोज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा शॉर्ट में निकलने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब आप शॉर्ट में निकलने का कोशिश करेंगे तो आपको नॉलेज भी शॉर्ट ही होगा। तो फिलहाल तो 20 मिनट हो चुके हैं, 19 मिनट, तो मैं वीडियो को यहीं पर स्किप करता हूँ। और गैस वीडियो को वो पहले वाला वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा टाइम है, और याद सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेवल 16 सोल्व कर चुका हूँ, 17 से आगे सोल्व करूँगा। ओके।